आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो लोग टाइम कैसे देखा करते थे? किससे? क्या उस जमाने के लोग टाइम देखना नहीं जानते थे? कैसे देखते थे? चलो दिन को देख लिया सूरज से, सूर्य के प्रकाश से टाइम देखा है। यदि सूर्य का प्रकाश अच्छा समझ बादल है प्रकाश नहीं है तो कैसे? चलो रात्रि को, अमावस्या की रात्रि है, रात्रि को कैसे देखते थे? चांद को, तारों, चांद से तारों की दूरी देखकर पता लगता था कि यह चांद इस तारे से, पुच्छल तारा, सप्तर्षि तारा, ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा उसी समय में उगता है, कोई तारा इसी समय, तो वो तारा दिख जाए तो ये बज गया, सूर्य का प्रकाश यहां आ गया तो ये बज गया, परछाई यहां आ गई तो ये बज गया। ये बिल्कुल प्रॉपर गणित थी। इसी गणित के अकॉर्डिंग भारत में एक मंदिर बनाया गया, कोणार्क मंदिर। जिस कोणार्क मंदिर में गोल सर्कल है जिस पर सूर्य का प्रकाश टकराता है तो उसकी परछाई परफेक्ट टाइमिंग बताती है। वर्तमान में 10 के नोट में वो फोटो छापी भी गई है। ये 1400 साल पुराना मंदिर है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। देखिए विज्ञान हमारा, विज्ञान बोल रहा हूं मैं आपको, अपना आपको आपके संस्कृति से परिचय करा रहा हूं जो आप भूल चुके हैं। टाइमिंग कितनी परफेक्ट। अच्छा ये बताओ कि रात्रि को अमावस्या की रात्रि है और दिन में बादल हैं, तो बताओ फिर टाइम कैसे देखा करते थे लोग? बताओ। और वो परंपरा आज भी है लेकिन अब आप उसे दूसरी तरीके से देखते हैं। बताओ पहले के लोग टाइम जब प्रकाश ना होने, चलो प्रकाश से तो टाइम दिख जाएगा, आकाश में तारे हो, खुला आसमान हो, चांद तारे हो तो भी टाइमिंग दिख जाएगा, पर बादल हो रात्रि को और दिन में भी बादल तो टाइम कैसे देखेगा? सावन में टाइम कैसे देखोगे? सावन में तो बादल होते हैं, दिन रात पानी बरसता है, झड़ी लग जा, पहले तो एक एक महीने की झड़ी लगती थी, हाँ या ना? लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, गाना भी बनते थे पहले, हाँ लगते थे ना, लगी आज सावन, सावन की क्या लगी है? झड़ी। झड़ी मतलब दिन रात पानी, और पानी जब दिन रात है तो फिर टाइमिंग कैसे? चलो बताओ फटाफट उत्तर देना है कि जब सावन में 15-15 दिन की झड़ी लगती थी उस समय के लोग समय कैसे देखते थे? फास्ट दादाजी उत्तर देंगे, हाँ बैठे बैठे बताओ। सुबह से शाम होती है, शाम से रात होती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, सुबह से फिर शाम हो जाती है। ये भैया बताएंगे हमारे कुर्सी पे बैठे चश्मा लगाए। बताओ सावन के महीने में उस समय टाइम जब घड़ियों का जमाना नहीं था कैसे देखते थे? क्या भारत के लोग नहीं टाइम देखना जानते थे तो कैसे? उत्तर दो, अपनी भारतीयता को पहचानो। दुनिया क्या जाने कि क्या टाइम था, क्या समय था? अरे दुनिया का इतिहास तो 1200 साल, कोई दुनिया का इतिहास कितना पुराना है? 2000 साल पुराना। आज सन क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, तो कोई 2024 साल पुराना है, कोई 1400 साल पुराना है। अरे हम भारतीय साहब जितने पुराने सूर्य चंद्रमा उतने पुराने हम हैं, इसलिए सनातन श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसका इतिहास पुराना है, सूर्य चंद्रमा के टाइम से हम हैं, इसलिए बोलते हैं सनातन मतलब पुराना, धर्म मतलब धर्म, पुराना धर्म सबसे पुराना। बाद में तो देखो गंगा से बहुत सारी नहर निकाल दी गई, तो मूल में सनातन तो गंगा है, बाकी मजहब पंथ तो नहरों की तरह है, इसी से निकले हुए, मतभेद हो गए, मनभेद हो गए सबके अपने अपने, मूल में तो सनातन है। तो बताना पड़ेगा आपको कि सावन में समय कैसे देखते थे, हम बताएं? सावन भादों में ही शंकर जी पर जल चढ़ाया जाता है घड़ा टांग करके, जो घड़ा में पानी भरना शंकर जी के ऊपर, जल की वो धार गिरना, एक्चुअली वो धार शंकर जी के ऊपर थी नहीं थी वो मुद्दा नहीं है, वो घड़े से टप टप गिरता पानी उस जमाने की घड़ी था,
कि इतना पानी गिर गया, इतने समय में गिरा हो, एक प्रॉपर उसमें छेद किया जाता था। जैसे आपके वॉशरूम में एक बाल्टी होती है, वो बाल्टी में लिखा होता है इतना पानी मतलब 15 लीटर, इतना पानी मतलब 10 लीटर लिखा होता है। हम लोग गाड़ियों में टैंक होता है, पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक, उसमें भी होता है इतना डीजल है मतलब 60 लीटर का टैंक है, आधा है मतलब 30 लीटर है, वहां कांटा सिग्नल देता रहता कि डीजल कितना है, हाँ या ना। ऐसे ही शंकर जी पर वो लटकती हुई बाती और गिरता हुआ टप टप पानी उस जमाने की काल गणना है, समय गणना। एक पानी भर दिया गया घड़े में, और घड़ा ऐसा सामान्य घड़ा नहीं, जैसे आपको पता है म्यूजिक में भी घड़ा बजता है, घड़ा, हाँ या ना, पर वो घड़ा ये सामान्य घड़ा नहीं होता, वो बजने वाला घड़ा एक विशेष तरीके से बनाया जाता है। उसी तरह ये घड़ा सामान्य घड़ा नहीं, वो घड़ा नपा तोला, जैसे बाट होता है, बाट 1 किलो का 2 किलो का, वो बाट नपा तोला होता है, वो बाट सबको नापता है, वो नपा तोला होता है। आपने तराजू में एक तरफ बाट रखा 1 किलो का, दूसरी तरफ तौल लिया। उसी तरह उस जमाने के घड़े ऐसे बनाए जाते थे, वो प्रॉपर जो टाइमिंग के लिए, उसमें भर दिया जाता था पानी, एक सुराख किया जाता था, उसकी टपकती बूंद, घड़े में पानी कितना बचा, उस बचे हुए पानी से समय का आकलन हो जाता था, कितने बजे भरा गया था, वो पहले से गणना हो जाती थी। जब सूर्य है, जैसे अभी सूर्य का प्रकाश है, तो अभी माना कि बज रहा है 5:30 तो उस समय से अब घड़ा तैयार हो गया और पानी की टप टप चालू हो गई, उस हिसाब से वो उस समय वो 12 महीने की गणित। जैसे आपने देखा होगा हमारे वैज्ञानिक जैसे ही पानी बरसता है तो वो बता देते हैं कितने इंच पानी बरसा। आप आज पानी बरसा ना तो कल अखबार में आ जाएगा कि आज इतने इंच बारिश हो गई, बोलो हाँ या ना। बारिश में कितने इंच बारिश हुई, 50 इंच हुई, 60 इंच हुई, 70 इंच हुई, 100 इंच, पूरा होता के नहीं, तो ऊपर उनका गणित रहती है, पूरा सिस्टम लगा होता। उसी तरह उस जमाने के वैज्ञानिक इस तरह से काम करते थे, तो वो समय की गणना था वो पानी का टपटक टपकना, और पूरा परफेक्ट था टाइम। तो हमारे यहां विज्ञान पहले से था, कोई आज से ही नहीं, पुष्पक विमान पहले ही से था। इसलिए भारत के विज्ञान, भारत के गूढ़ रहस्यों को जानो, समझो। आज सूर्योदय कितने बजे हुआ और कल कितने बजे होगा और परसों कितने बजे होगा और नरसों और 2025 में कितने बजे होगा, हाँ या ना। ये बात दुनिया को अब पता लगी, ये विज्ञान हमारे यहाँ हजारों साल से मौजूद था, पहले से लोग जानते थे इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्योदय होगा, और उदय ही नहीं अस्त भी, सूर्यास्त। देखिए भारत का, अब पता नहीं लोग भारत को अनपढ़ बनाने में लगे हुए कि भारत में तो कुछ था ही नहीं, भारत तो बिल्कुल अनपढ़ देश था, भारत तो सपेरों का देश था, सांप पकड़ता था। अरे मूसर, भारत की कला को, भारत के विज्ञान को तुम जानो क्या? अब समस्याएं तो ये है कि भारतीय लोग ही नहीं जान रहे कि आप कौन थे। अब भारतीय तो तब जानो ना, अपने वेद पुराणों को पढ़ो तो पता चले कि अच्छा ये सब था, और तुम अनपढ़ बने घूम रहे हो, थे ज्ञानी। पूरी दुनिया में ज्ञान कहा, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था कि पूरी दुनिया पढ़ने भारत आया करती थी उस जमाने में। आज के सैकड़ों साल पुरानी आप बात करें तो, हजारों साल पुरानी बात करें तो, इतिहास मिलता है कि चाइना के लोग पढ़ने भारत आते थे, इतिहास मिलता था तमाम देशों के लोग पढ़ने भारत आते थे, और भारत का दबदबा था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन का, धर्मराज युधिष्ठिर का दबदबा था पूरी दुनिया में, सप्त द्वीपवती महिम, सातों द्वीपों का राजा भारत सबका मुख्य होता था, केंद्र। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के उस युद्ध में सारे विदेशी लोग, कोई कौरवों के पक्ष में लड़ने आए, कोई पांडवों के पक्ष में लड़ने आए, आए सब थे। विश्व युद्ध था, महाभारत कौन सा युद्ध था, विश्व युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था, सारे देश के लोग आए थे। वर्णन मिलता है कि श्रीलंका, लंका गए भीम भैया,
और बोला कि विभीषण जी आप हमारे पक्ष से लड़ो। विभीषण जी ने कहा हम नहीं लड़ पाएंगे, लड़ना वड़ना हमने छोड़ दिया है, हमने तो जो लड़ाइयाँ देखी हैं अभी अब तो ये तो कोई लड़ाई ही नहीं है। भीम भैया बोले ना बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। विभीषण जी ने कहा राम रावण से बड़ा युद्ध ना होगा। अरे नहीं नहीं राम रावण से भी बड़ा हो रहा है। भीम भैया को बड़ा घमंड था मेरे अब जो युद्ध हो रहा बड़ा। तुम विभीषण जी ने कहा जरा ये कुंड है, जरा ये कुंड में भीम जरा तुम पता लगाओ कि पानी कितने गहराई पर है। भीम भैया सुबह डुबकी लगाए, पूरी कोशिश कर ली सांस जितनी थी खींच खींच करके, अंदर तक गए पर उसका छोर ना पाए। बाहर आए विभीषण जी ने कहा छोर मिला? बोले नहीं मिला। बोले फिर तुम्हारा युद्ध कोई युद्ध है ही नहीं, छोटा मोटा युद्ध है बच्चों वाला। अरे भीम बोले क्या बात कर रहे हैं। विभीषण जी बोले हमारे टाइम पर जो युद्ध होते थे जिस कुंड में तुम गोता लगा करके छोर नहीं पता कर पा रहे हो वो कटा हुआ सिर है, इसमें पानी भर गया है, ये कटा हुआ खोपड़ी है। अरे ये जिसमें हम नहाए वो खोपड़ी, हाँ ये उस खोपड़ी का तुम पता ना लगा पाए कितनी गहरी हो। अब सोचो जिसकी खोपड़ी इतनी बड़ी है सिर इतना बड़ा है वो आदमी कितना बड़ा रहा होगा। तो बोले भैया किसका है? बोले हमारे भैया का कुंभकर्ण। किसका सिर है ये? कुंभकर्ण। मतलब राम रावण के युद्ध से बड़ा इस धरती में इतिहास में कभी युद्ध हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा युद्ध राम रावण का था, उससे आधा का आधा महाभारत का युद्ध तो था बहुत बड़ा, पर उसमें भगवान को लड़ने की जरूरत, यहां तो भगवान लड़े राम, और राम लड़ रहे हैं तो बड़ा ही होगा, यहां तो कृष्ण जी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक चक्का उठाना पड़ा था बस रथ का पहिया। तो भीम समझ गए, तब कहा कुछ सहयोग करो। तब फिर पहले युद्ध होता था ना तो राजा लोग दूसरे राजाओं से सहयोग लेते थे, तो विभीषण जी ने सहयोग में कुछ हथियार दिए थे, कुछ चीजें दी थी, कुछ धन धान्य से भीम भैया को विदा किया था। महाभारत के पहले पूरे विश्व का भ्रमण हुआ था, सारे राजाओं से सारे देशों से चंदा लिया गया था, भाई युद्ध हो रहा है सहयोग करो। विभीषण जी का भी सहयोग था उस महाभारत के युद्ध में, सब लिखा हुआ है, ये प्रमाण है जो हम कह रहे हैं, पढ़ो तो पता लगेगा सब। तो कुल मिलाकर के भारतीयता बहुत श्रेष्ठ है और हमारी परंपराएं बड़ी विकराल हैं।